बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक वेदर एंट्री टेस्ट इज इजी और डिफिकल्ट। बच्चे बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एंट्री टेस्ट आसान होता है या मुश्किल होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एंट्री टेस्ट इज इजी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैलिब्रेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग। कि एंट्री टेस्ट को बेसिकली समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप ये समझ सकते हैं ना कि एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस या तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी रिक्वायर्ड होती है, सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, वहाँ पे एनालिसिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इस एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर पाएंगे। So once again, entry test is easy if you can understand its complexity and calibrate yourself accordingly. कोई भी इम्तिहान, दुनिया का कोई भी इम्तिहान, वो तब तक मुश्किल है आपके लिए जब तक आप उसके इन एंड आउट को समझ नहीं लेते। जब आप किसी भी इम्तिहान को समझ जाते हैं, क्या दिस इज वट द एग्जाम इज ट्राइंग टू टेस्ट इन अस, राइट, तो फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। देखिए, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स का, जिस वजह से स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट मुश्किल लगता है, वो ये है कि वो एफएससी में खास तरीके से पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली क्रैमिंग के थ्रू जा रहे होते हैं, कहीं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, तो फाइन कॉन्सेप्ट्स अपने बारीकी के साथ ही बना रहे होते हैं। तो एंट्री टेस्ट को जब वो उसी माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं, जब वो कॉन्सेप्चुअली नहीं जाते बुक्स के थ्रू, तो फिर उन्हें एंट्री टेस्ट मुश्किल लगता है। और सो मेजर प्रॉब्लम क्या है, बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करते। इसमें अब जस्ट इमेजिन करें, ये मैं ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। जस्ट इमेजिन करें कि ये एग्जाम है और जस्ट इमेजिन करें कि ये आप है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं, बुक को पढ़ते हैं, कोई भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी सारी की सारी या 100% आपकी जो एफर्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जाम होनी चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपकी बहुत सारी जो एफर्ट है वो मिसडायरेक्टेड होती है, आपको पता नहीं होता हमने करना क्या, ठीक है। एक ही टॉपिक को कई की जगहों से पढ़ी जाएंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ी जाएंगी जो कि एग्जाम के स्कोप के अंदर ही नहीं है, अनड्यू मुश्किल टॉपिक्स को पढ़ी जाएंगे, अहम टॉपिक्स को छोड़ देंगे, लाइक यू कॉज सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लिहाजों से या बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी सही तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो जगह पे ब्लॉक्ड होते हैं एंट्रेंस को लेके, तो उनका एंट्रेंस पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आपने अपने मेंटल ब्लॉक्स को बड़े ऑनेस्ट वे में उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उन मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करना है। डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंटली ब्लॉक्ड होते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चाहिए कि आप अपनी एंट्रेंस की जो तैयारी है इसे किसी सही एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस करें कि इस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा स्केड्यूल है, डेली इतने आवर्स में इस तरीके से पढ़ता हूँ, रूटीन मेरी ये वाली जा रही है, और इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक टॉपिक को मैं ऐसे तैयार करता हूँ, टॉपिक्स को मैंने प्रायोरिटाइज ऐसे किया हुआ वगैरह वगैरह। सो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी एंट्री टेस्ट की जो ओवरऑल प्रेपरेटरी स्ट्रेटजी है इसे किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ या किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ इवन डिस्कस करें जो कि पहले इसके थ्रू जा चुका है, जो सक्सेसफुल हो चुका है, और उसे रिक्वेस्ट करें कि इसमें जो मेरी अप्रोचेज रॉन्ग हैं मुझे आप बताइए ताकि मैं उन्हें करेक्ट करूँ, राइट। सो इस तरह से आप पहले से ही जिन चीज़ों ने आपको डैमेज करना है, आप स्कोर को डैमेज करना है, आप उनको पहले से आइडेंटिफाई करके आप उनके ऊपर काम करके उनको क्रैक कर सकते हैं। अगेन, एक जो लाइन मैं हमेशा रिपीट किया करता हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा वो रिलेट कर रही है कि एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है हाउ वेल यू एंटीसिपेट दी प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर दोज प्रॉब्लम्स। और एक दफ़ा एग्जाम में बैठ गए हैं, अब जो भी आपको आता है उस साथ नंबर लेना है, ठीक है। तो अब एंट्री टेस्ट के सारे प्रॉब्लम्स को ट्रूली आप फोरसी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इनफ टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आप फोरसी कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस यू कि एंट्री टेस्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और एंट्री टेस्ट को लेके मैंने बहुत सारी वीडियोज़ क्रिएट की हैं, आप मज़ीद भी वीडियोज़ को देखें, एंट्री टेस्ट के इन एंड आउट को समझें, इस पूरी गेम को समझें। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है ना कि यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स, कि आपने पहले गेम के रूल सीखने हैं फिर किसी भी और बंदे से बेहतर आपने इसके अंदर खेलना होता है। सो एंट्री टेस्ट को लेके भी इस गेम के रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, फिर ही आप इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ एंट्री टेस्ट। सो बॉटम लाइन,
एंट्री टेस्ट आसान है अगर आप इस इम्तिहान को समझ के उसके मुताबिक अपनी तैयारी को कैरी करें। थैंक यू वेरी मच।